भाजपा डाकुओं से भी बदतर है, डाकुओं का भी ईमान धर्म होता है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का बयान सुने। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और छिहत्तर वसावा हमारा छोटा भाई है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चैतर वसावा की धर्म पत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चैतर वसावा की धर्म पत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया, ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे, उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं बैठोगे? बदला लेना है। चैतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है, बीजेपी उसको कुचलना चाहती है, बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बारे में चुप नहीं बैठना, अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चैतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चालू करेगा। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।